नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई के YMCA ग्राउंड में। वसई नवगर माणिकपुर और प्रभाग समिति GHI, इन तीन प्रभाग को मिलाकर शुरू हुआ यह कलाक्रीड़ा। आज तीसरा दिन है और काफी उत्सुकता से यहाँ बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं, प्रोत्साहित है बच्चे काफी। और आज तीसरा दिन है, कई प्रतिस्पर्धा अभी तक हो चुकी है। प्रतिस्पर्धा जो बाकी है वो आज के दिन में और कल के दिन में होने वाली है। इस पूरे कलाक्रीड़ा की कवरेज हम लगातार कर रहे हैं और उसी बीच में हमने यहाँ के अधिकारी से बात की, वो आप आगे सुनेंगे। यहाँ के जनप्रतिनिधि से बात की, वो आप आगे सुनेंगे। साथ ही साथ कुछ पेरेंट्स से हमने बात की और ऑर्गेनाइजर उनसे हमने बात की, क्या कुछ उनके सबके विचार है इस कलाक्रीड़ा को लेकर। सुनिए वीडियो में आगे पूरा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। उपमावर साहब, क्या कहना चाहेंगे कलाक्रीड़ा के बारे में? हर साल कलाक्रीड़ा होता है, लेकिन पिछले दो साल से कोरोना की वजह से नहीं हुआ। और अभी प्रशासकीय राजवट है, प्रशासकीय राजवट में जो अपने कमिश्नर है पवार साहब, उन्होंने अच्छा निर्णय लेके जो स्पोर्ट्स होते थे या कलाक्रीड़ा होता है, वसई का कलाक्रीड़ा मैराथन होता है, सभी को उन्होंने प्रोत्साहन दे के, और बहुत मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत करके और सभी स्टाफ को काम पे लगा के ये सक्सेस करने का काम वो कर रहे हैं। और यहाँ पे जो विरार में हुआ, नाला सुपारे में हुआ, नवघर मानिकपुर में, इसके बाद में वसई में जो कलाक्रीड़ा होता है, मैं 26 तारीख से 31 तारीख तक, वो भी उन्होंने आयोजन किया है। तो मुझे लगता है यहाँ के जो क्रीड़ापटु है उनके लिए ये अच्छा काम है, और यहाँ के स्पोर्ट्समैन जो है वो वसई तालुका में बनने का और चांस है। थैंक यू। किशन सर, साले कलाक्रीड़ा का आज दूसरा दिन है अपना नवगर मणिकपुर का, तीसरा दिन है। तीसरा दिन तो क्या स्थिति है और किस तरह की प्रतियोगिता चल रही है बताइए। आज तीसरे दिन, मतलब कल तो दो दिन कंप्लीट हुए, उसमें कल तक जितने भी इवेंट हुए थे कंप्लीट हुए थे, उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन तो कल ही हुआ। आज जो चल रहे हैं, आज मतलब स्पोर्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, वहाँ पे विजयवर्धक स्कूल में जो कल्चरल प्रोग्राम है उनके इवेंट है, उनके जो भी आज फाइनल रिजल्ट आएंगे उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आज शाम को हो जाएगा। और कल जो भी फाइनल है, जो रहेंगे बचेंगे, उसमें का कल शाम को 4:30 बजे का फाइनल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। कुल कितने इवेंट है और क्या कुछ कैटेगरीज, ऐसा कुछ एक आंकड़ा? अलग अलग कैटेगरीज में इवेंट तो 30 के ऊपर टोटल इवेंट है। कल तक मेरे ख्याल से 7 इवेंट हमारे कंप्लीट हुए कल शाम तक तो उस, और परसों एक रंगोली स्पर्धा थी उसका इवेंट का फाइनल हुआ था, मतलब 8 इवेंट कंप्लीट हुए, उसके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कल हुआ। आज जो बचे हुए हैं, आज भी बहुत सारे इवेंट चल रहे हैं, यहाँ पे चेस कंपटीशन चल रहा है, ये मैदानी खेल से वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम चल रहे हैं, ताइक्वांडो चल रहे हैं वहाँ पे 60 फीट रोड पे हमारे बाल भवन वहाँ के, उधर का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे होएगा। और उसके बाजू में बैडमिंटन कॉम्पिटिशन चल रहा है, वो रात को भी चल रहा था, उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आज, सब इवेंट का आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इस साल 15,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है, आने वाले सालों में और रजिस्ट्रेशन बढ़े, इसके लिए अपन क्या आह्वान करना चाहेंगे महानगर पालिका की तरफ से, और के स्टूडेंट को, स्कूल को और आम नागरिक को क्या आह्वान करना चाहेंगे? दो साल में ये इवेंट अपना नहीं हुआ कोविड के कारण, तो वो हिसाब से ये साल में तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, 15,000 के ऊपर पार्टिसिपेंट आए। आगे चल के और थोड़ा सा क्या है, इसके लिए हम लोग को टाइम भी थोड़ा बहुत कम मिला, और लोक प्रतिनिधि नहीं है, उसका भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि जो लोक प्रतिनिधि वो पब्लिक में रहते हैं, वो उनको इंक्रेज करते हैं, तो अगले साल में अगर इलेक्शन हुआ है इस साल में, तो अगले साल में हमारी बॉडी आएगी तो 15 के ऊपर 20,000 तक जाने की आशा है। सर, आपका नाम? युगांत वाड़ी। सर, किस तरह से क्या क्या आप स्पोर्ट्स करवा रहे हैं? और अपना जो नवगर मणिपुर कला क्रीड़ा महोत्सव है, ये टोटल 10 कैटेगरीज में होता है,
अंडर 12 बॉयज एंड गर्ल्स, अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स, अंडर 16 बॉयज एंड गर्ल्स, अंडर 18 बॉयज एंड गर्ल्स एंड अबव 18 बॉयज एंड गर्ल्स। टोटल 300-350 तक एंट्री अप्रोच में आया है। ये पूरा लीग सिस्टम से मैच होगा। हर राउंड में, हर ग्रुप में 5-5-6-6 राउंड हो सकते हैं। इसके बाद अपने को रिजल्ट आएगा शाम तक। आप किन किन गेम्स के ऊपर नजर रखे हुए हैं? जैसे हम देख रहे हैं आप चेस, यहाँ पे तो हम लोग चेस पूरा देख रहे हैं और अपनी टीम है जो पूरी वर्तक कॉलेज में कैरम और टेबल टेनिस संभाल रही है। थैंक यू सर। आपका नाम? मेरा नाम सौमिल शिंदे है और मैं चेस में फीडे आर्बिटर हूँ। मैंने FA का एग्जाम क्लियर किया और मैं फीडे आर्बिटर हूँ चेस में। सर, यहाँ काफी बच्चे एक साथ ये चेस जो गेम खेल रहे हैं, इसमें अगर कभी किसी को क्वेरीज है या कौन सही है या गलत है तो उसका आप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं जरा बताइए। यूजुअली क्या होता है ना कि ये ना कोई बच्चों कुछ डाउट रहेगा या इलीगल मूव हुआ रहेगा तो बच्चा अपना हाथ ऊपर करता है। सो हम लोग जाके बच्चे को पहले पूछते हैं, मतलब दोनों को पूछते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ, एक एक करके फिर हम लोग उनकी बात सुनते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली जो भी डिसीजन रहेगा हम लोग वो बोर्ड पे दे देते हैं। कभी कभी बच्चा झूठ बोलता है तो उसको एक बार दो तीन क्रॉस क्वेश्चन करके उनको पूछते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली हम लोग उनको डिसीजन देते हैं उनका। थैंक यू सर। क्या सर क्या कहना चाहिए, शाले कलाक्रीड़ा शुरू है, इसमें आप दर्शक के रूप में आए कि एक पेरेंट्स के रूप में आए और कैसा महसूस हो रहा है? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनिंदर सिंह है और मैं यहाँ पे दर्शक के रूप में भी हूँ और पेरेंट के रूप में भी आया हूँ। हर साल ये इवेंट होता है, बहुत ही खूबसूरती से ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है और इससे बच्चों को जो स्पोर्ट्स में है उनको बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलता है। मेरी डॉटर खुद है एक जो जिसको हर साल डिस्कस में शॉटपुट में, कल भी इसका शॉटपुट का इवेंट था, उसको अंडर 18 गर्ल्स में सिल्वर मिला है, हर साल क्वालिफाई होती है तो इससे बच्चों को आगे प्रोत्साहन मिलता है, आगे जाके वो स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। मैं सभी ऑर्गेनाइजर का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। सर क्या नाम आपका? हुसैन रामपुरा वाला। क्या कहेंगे शाले कला क्रीड़ा के बारे में, क्या किराया है? अच्छा, ये प्रोसेस स्टार्ट किया है बच्चे लोग के लिए, काफ़ी अच्छा उसमें एंथुजियाज्म है, बच्चे लोग स्पोर्ट्स के लिए आगे हो सकते हैं जो मोस्टली मोबाइल के साथ रहते हैं, टीवी के साथ इंडोर रहते हैं। ये एक अच्छा बैकग्राउंड मिला, एक अच्छा उनको एक बेस मिला जहाँ पे वो अपना स्पोर्ट्स के बारे में सीख भी सकते हैं और ज़्यादा कुछ अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ के सर्विस से इससे सेटिस्फाइड? फिलहाल तो अभी अच्छा ही है सब, अभी तक कभी स्टार्ट हुआ नहीं गेम, उसके बाद ही देखते हैं। नाम क्या है? मेरा नाम एकजोत कौर कोहली है। क्या कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा प्रदर्शन करते हो, दो साल के बाद अच्छा लग रहा है। दो साल इवेंट कोविड के बाद अच्छा लग रहा है इवेंट करते हुए। इसके पहले भी आप हिस्सा लेते थे? हाँ, मैं लेती थी, मेडल्स लेके आती थी हर साल। दो साल कोविड की वजह से नहीं हो पाया, अभी चालू किया तो अभी फर्स्ट मेडल मिल गया है। अभी आज दो इवेंट है तो आज मिल जाए तो अच्छा है। क्या नाम है आपका? बुरहानुद्दीन मुस्तफा लाठी कोला। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? MSB। आपने किस चीज में पार्टिसिपेट किया? चेंडू फेंक। कैसा लग रहा है आपको? फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस से अच्छा लग रहा है। और आगे भी पार्टिसिपेट करोगे आप? जी। थैंक यू। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।